उत्तराखंड स्थापना दिवस के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड अब 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के बच्चों ने मेहरौली इलाके में अपना नेत्र पेश किया और अपनी बोली, अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम को मेहरौली के वार्ड नंबर 2 में गढ़वाल कॉलोनी में किया गया, जिसमें वरिष्ठ अतिथि के रूप में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी श्री एसएन जोशी और श्री एसपी बुलुनी जी ने शिरकत ली। इस कार्यक्रम का आयोजक और संयोजक कर रही थी रोशनी चमोली। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम में नेत्र कला भी पेश करी गई, क्योंकि लगातार उत्तराखंड जो देवभूमि है उसको अपनी एक जो दर्जा दिया गया है वो देवभूमि का दर्जा दिया गया है और वो लगातार कायम रहे। और आपको बता दें कि 20 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस के और 21वें साल में उत्तराखंड जो है वो प्रवेश कर रहा है। जो उत्तराखंड स्थापना दिवस था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नृत्य भी पेश किया गया बालिकाओं के द्वारा। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर जो आपको बता दें वरिष्ठ अतिथि पहुँचे थे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एसएन जोशी और साथ ही साथ आपको बता दें एसपी बलूनी, इन्होंने भी कहा कि किस तरीके से हमें अपने उत्तराखंड की बोली भाषा संस्कृति को बढ़ावा देना है और उसी क्रम में ये कार्यक्रम मेहरौली में हुआ जहाँ पर ये सभी लोग पहुँचे। आप आए इस कार्यक्रम में तो बच्चों को क्या क्या बांटा गया और पूरा क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम ये जो पिछले साल हुआ था प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने कॉल बेस में किया था, बच्चों का ही प्रोग्राम था वो, तो उसके तुरंत बाद ये लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल हो गया, तो ये बच्चों का ये पुरस्कार वितरण नहीं हो सका था। तो आज वही मौका है क्योंकि ये आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि भाई आज ये स्थापना दिवस के मौके पे और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और वो कोरोना काल की वजह से उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका था, तो वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज उनको किया। बता दीजिए ऐसे ही जैसे आज आप इस कार्यक्रम में पहुँचे, क्या कार्यक्रम था ये पूरा? ये आज उत्तराखंड दिवस भी है और 21वीं साल में प्रयोग कर रहे हैं, एक तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा इससे और हमें सबको याद दिलाना है। दूसरा ये है पिछले साल कनॉट प्लेस में जो दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम किया था उसमें उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए इनको कुछ पार्टनरशिप सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से हम लोग इनको दे रहे हैं। बता दीजिए मेरा नाम रोशनी चमोली, हम यहाँ मेहरौली में रहते हैं और यहाँ पर हमारी कम से कम तादाद जो है वो 10 और 12 हज़ार उत्तराखंड की है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आज उत्तराखंड स्थापना दिवस पे हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कनॉट प्लेस में किया था। उत्तराखंड अकादमी के अंतर्गत इन बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिली, ट्रॉफी मिली, सर्टिफिकेट मिले। कोरोना काल की वजह से हम कार्यक्रम को बड़े स्तर पर नहीं कर पाए, लेकिन आज इन बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया ताकि अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाएं और हम अपने सपनों का जो हम हमारा उत्तराखंड है हम उसे विकास की गति की ओर लेके। तो आज पूरा कार्यक्रम क्या क्या था और उत्तराखंड स्थापना दिवस को कितना समय हो गया? उत्तराखंड स्थापना दिवस को आज पूरे 20 वर्ष हो गया, उत्तराखंड आज 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पहले हमारा जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो बहुत सारे आंदोलनकारी शहीद लोगों के बलिदान के बाद हमने ये उत्तराखंड पाया है और हम चाहते हैं कि जिस तरह के सपनों का उत्तराखंड हमने सोचा था हम उसे उसी तरीके से बनाएं। तो हमारे साथ मिलकर बहुत सारे सभी लोगों ने आज शिरकत की, हमारी बहन कमला नेगी हमारे बीच है, हमारे ये बच्चे आप देख रहे हैं इतने सुंदर परिधान में यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी बोली भाषा से भी बहुत प्यार है और हम जितने भी उत्तराखंडी हैं यहाँ पर उत्तराखंड की बोली भाषा के क्लासेस भी चलाते हैं, जिसको बगल में कमला नेगी यहाँ चलाती है और बहुत सारे बच्चों को बोली भाषा की शिक्षा देती है। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं उत्तराखंड से हूँ। आज हमारे यहाँ पे 20 वर्ष हो गया उत्तराखंड को, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम में गाने वगैरह भी हुए, डांस भी हुआ और बहुत उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें बताया कि हमारे परिधान कैसे हैं, थोड़ा नृत्य ग्लोबंद और ये सब किया। मैं यह संकल्प ले लूँ कि मैं अपने उत्तराखंड एंड उत्तराखंड और परिधान भाषा
नमस्कार, मैं रोशनी चमोली उत्तराखंडी। आर सोनी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रदूषित रहित दिवाली मनाएं, सुरक्षित दिवाली मनाएं। धन्यवाद।